छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने सड़कों की खराब हालत को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और लोक निर्माण विभाग के दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन किया गया। पुलिसकर्मियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में उलझे हुए धक्का मुक्की। राज्य में सड़कों की खराब हालत, खस्ता हालत को देखते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रायपुर में प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया। आपको दिखा रहे हैं हम जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता राज्य में बीजेपी सरकार, रमन सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और राज्य की खराब सड़कों की स्थिति पर प्रदर्शन करने के लिए लोक निर्माण विभाग के सामने पुलिस ने रोकने की कोशिश की और कांग्रेसी कार्यकर्ता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुट रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सत्य प्रकाश, क्या कहना पुलिस का और सड़कों को लेकर काफी ज्यादा मतलब पुलिस के साथ धक्का मुक्की और कश्मकश? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की छत्तीसगढ़ में सड़कों के हालात है और खास करके पिछले 5 से 7 सालों में जो सड़कें बने हैं, खास करके राजधानी रायपुर की बात करें या जो भी शहरी इलाके हैं, उन इलाकों में भी सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, बस से बदतर है कि इसको लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक में तमाम मुद्दे उठा चुकी है। कई बार अधिकारियों पे भी, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पे भी आरोप लगे हैं। कई बार इस भ्रष्टाचार में, सड़क को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में कई पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पे गाज भी गिरी है, भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इन सब तमाम चीजों के बावजूद सड़कों की जो हालत है वो सुधर नहीं रही है। इन सब तमाम चीजों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया। काफी लंबे काले कपड़े लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे थे। हालांकि उस दौरान पुलिस से काफी धक्का मुक्की हुई उन लोगों की और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों पर काबू पर कर पाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र भी जो चल रहा था उस सत्र में भी कई जगहों पे सड़कों की खराब हालत को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। हालांकि राज्य सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था और अब फिर से सड़क पे उतर के कांग्रेस जवाब मांग रही राज्य सरकार के कि जिस तरह से सड़कों को लेकर, खस्ता हालत को लेकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह कई कह सकते हैं कि मिलावटी सामानों का उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में, उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उस पर चेतना चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। और जिस तरह से खास करके राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर की ही कई सारी ऐसे सड़कें हैं जहाँ पे सड़क कम और गड्ढा ज्यादा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने इन सब तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे धान की रोपनी भी की थी और उस पर भी राज्य सरकार को इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार इसके बावजूद जो दोषी ठेकेदार हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करती है तो आगे सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई कांग्रेस करेगी। सड़क की खराब हालत, खस्ता हालत के मद्देनजर ये प्रदर्शन किया गया और देख सकते हैं किस तरह से पुलिस को पसीना आ गया इन कार्यकर्ताओं को हटाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश, हमसे बात करने के लिए।